जैसे अंदर मैं बताऊंगा आपको, अंदर एचएफ होगी तो आप देख रहे यहाँ की रिकॉग्नाइज, क्योंकि हमारे यहाँ गाय मोस्टली कश्मीर में होती हैं, वो भी देसी है, जिनको देसी गाय, शीप की है, पुंजी है, बदरवा की शीप भी है, लेकिन हाँ इसमें नहीं होती। आपके यहाँ कौन सी ब्रीड है आपके घरों में, किसी ने देखी है कोई डॉग की ब्रीड कोई आती है किसी को? आगे बनाया ना yes, मैंने जो मेंढर yes, जो आगे बनाया इसको खुरली जो ये क्या है, ये क्या है? आपने हाउसिंग सिस्टम पढ़ा? एक मिनट बोलिए। क्यों सिस्टम किया? क्या क्यों ठीक है? अरे इनको कोई दिक्कत नहीं, आप इधर मुंह करके खिलाओगे ये दिक्कत हो जाएगी। ये दिख रही है ना आपको वो जो लास्ट में है ना, वो वाली कौन सी आपके हिसाब से गाय होगी जो सबसे लास्ट सेकंड में? वो पहला उसका करैक्टर वो साइज में छोटा है। और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दारगलोन से आई हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और हमें इस यहाँ पे लाया गया है जहीराबाद सर ने, एग्रीकल्चर का एक टूर है और उसमें हमें बताया गया है कि मतलब कितनी किस्म की ब्रीड्स होती हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमारे घर में भी वैसे एनिमल्स थे, वैसे हर किस्म के एनिमल्स थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये मतलब उनके साइंटिफिक नाम हमें नहीं पता थे, बहुत सब हमें नहीं उनके बारे में पता था या क्या करती हैं, और उन्होंने हमें सब कुछ आज बताया है। बेटा आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपने यहाँ विजिट किया, आपको यहाँ प्रैक्टिकली चीजें दिखाई गई, कैसे महसूस? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें हर किस्म की मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, हमें इतना कुछ दिखाया गया यहाँ पे बेन से, बहुत कुछ है सर। शुक्रगुजारों के आपने इतना अपना कीमती समय लेकर हमारे लिए यहाँ पहुँचे, तो उसके साथ साथ साजिद सर का, उसके साथ साथ ये सरफराज सारे जिन्होंने अपना इतना कीमती समय, ये वक्तन जब भी हम यहाँ आए तो हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। लास्ट ईयर भी इसी मतलब बिफोर 6 मंथ हम आए थे 11th 12th क्लास को लेकर यहाँ, तो यहाँ इन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। उस दिन भी साजिद सर आए, बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट जो ब्रीड्स रखी हुई बिफेलोज की, काउज की, उनके बारे में बच्चों को बताया, फील्ड का बताया कि इनका हाउसिंग सिस्टम कैसा रहता है, इनको कैसे वो घास वगैरह कैसे वाटरिंग सिस्टम है इनका, वो सब इन्होंने बच्चों ने आके इधर देखा, तो इसे जो है बच्चों के नॉलेज में भी जितना भी इजाफा होता है, और एज गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी बहुत सी स्कीम्स ऐसी आती हैं जिनसे के बच्चे फील्ड में आए, वैसे तो उनको हर चीज़ पता होती है, स्टडी तो वो ऐसे पढ़ते हैं थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो फील्ड में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम क्या है, कैसे इनको रखा जाता है, कैसे इनकी हाउसिंग सिस्टम होती है। तो यहाँ लास्ट यहाँ हम पहले भी आए तो यहाँ सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार सरफराज सर का, जो हर वक्त बच्चों को हौसला अफजाई भी करते हैं, तो बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह सब करते हैं, ये अरेंजमेंट मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो उसके साथ साजिद सर का जो अपना कीमती समय निकाल कर इन बच्चों के लिए तकरीबन वो दो गेट। मेरी प्राइवेट डेयरी है जो पिछले 4-6 साल से मैं इसको चला रहा हूँ, और गवर्नमेंट डिफरेंट मुख्तलिफ स्कीमों से मैंने इसको यहाँ स्टैंड किया है। आज जो आप पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन आया और आने का क्या मकसद था, बेसिकली ये एक गवर्नमेंट आर्डर पे एक स्कूल के बच्चों ने यहाँ विज़िट किया, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सर्जन भी यहाँ मौजूद थे, और उनका जो आने का ये मकसद था वो मेरे ख्याल से यही था कि उन्हें एक उन्हें जो एक प्रैक्टिकल तरीके से फिजिकल यहाँ देखना था कि डेयरी रिलेटेड क्या 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 प्रॉब्लम है या क्या क्या उन्होंने यहाँ वो सीखना था। इसमें बड़ी डिटेल से पिछले लगभग 1 घंटे से डॉक्टर साजिद जी जो हमारे यहाँ सर्जन हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ बच्चों को ब्रीफ किया, उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए उन्हें बेहतरीन तरीके से बताया। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मीडिया की विसादत से कि आज यहाँ आप तशरीफ़ फरमाए, निहायत मशकूर व ममनून हूँ मैं आपका भी, और ख़ासकर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त यहाँ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेटअप को लेकर गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस है, और यहाँ हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी भी है, और आपके चैनल की वसादत से मैं यहाँ खिताए पीर पंजाल के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारा कल्चर है, ये जिस कल्चर से हम काफ़ी अरसा से ये हट गए हैं,
हमने ये छोड़ दिया है। मैं फिर से मेरी ये नौजवानों से मोहतरमाना गुजारिश रहेगी कि ये एक हमारा बेहतरीन कल्चर है, हमारा रोजी रोटी कमाने का एक बेहतरीन सिस्टम है। मेरी बेरोज़गार नौजवानों से गुजारिश रहेगी कि आप गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोज़गारों को फ़ायदा देना चाहती है, आप सरकार से भी फ़ायदा लें और इस सिस्टम से जुड़ें। ये एक बेहतरीन जो हमारा एक घरेलू हमारा जो कल्चर है, घरेलू जो कारोबार है, इससे हम इसको अगर हम बढ़ावा देंगे और हमारा घर का जो सर्कल है, हमारा जो घर का कारोबार है, हमारे बच्चों का, हमारा घर का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल सकता है। जी, आज ये जो बच्चों की विजिट हुई, फील्ड विजिट जिसे कहते हैं, ये एक वोकेशनल सब्जेक्ट के अंडर जो सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके तहत बच्चों को सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाई जाती, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाया जाता है। उसको मद्देनज़र रख के इन्होंने हर जगह जो वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चों ने चूज़ किया है उस कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बच्चों को अवेयर करने के लिए फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज की। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मैंने इनको डिफरेंट जो सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में इनको बताया ताकि ये बड़े मास लेवल पे अपने घरों तक पहुंचाएं और इस तरीके से हम अवेयरनेस भी बढ़ा पाएं रिगार्डिंग हमारी डिपार्टमेंट के। इसके साथ साथ कौन कौन सी अच्छी ब्रीड हैं, उनको किस तरीके से पालना है या किस तरीके से रखना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रोडक्शन ले पाएँ, उसके साथ साथ कैसे हमें अपने घर में किस तरीके की होसिंग, जैसे सर्दियों का मौसम है या बर्फबारी है तो किस तरीके से किस किस्म का होसिंग सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हम जानवरों का कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके साथ साथ इनको डिफरेंट जो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कैसे हे बनाया जाता है या हम कैसे फॉर्डर डेफिशिएंट एरिया है हमारा रजौरी पुंछ, तो इसमें किस तरीके से हम फॉर्डर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके एनिमल को ग्रीन फॉर्डर ओवर द ईयर सप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव काम था कि हम फील्ड में विजिट करें बच्चे और देखें कि डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और अपने फैमिलीज और अपने जो इस डिपार्टमेंट से डेयरी फार्मर्स कनेक्ट हैं उनको भी अवेयर करें मास लेवल पे ताकि हम जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा इस डेयरी सेक्टर से या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के तावन के साथ जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।